बात करेंगे नारायणपुर जिले की, जहां अबूझमाड़ के ग्रामीण अब मोबाइल में एक क्लिक से देश विदेश से जुड़ सकेंगे। नारायणपुर पुलिस के अथक प्रयास से अबूझमाड़ क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी। नारायणपुर जिले के आमदई में नया मोबाइल टावर चालू होने से ग्रामीणों में खुशी देखने को मिल रही है। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोबिनसन गुड़िया के द्वारा एक और क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान संचालित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले के अंदरूनी क्षेत्र में विकास और निर्माण के लिए सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, बिजली आदि सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में नक्सली तांडव का भय कम होता दिखाई दे रहा है। तो इससे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे नारायणपुर से हमारे संवाददाता संतोष मजुमदार से। संतोष, गांव में जिस तरह से मोबाइल टावर लगा है और ग्रामीण बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस गांव में जो ये मोबाइल टावर है पहली बार लगा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अबूझमाड़ का जो ये क्षेत्र है अत्यंत ही जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आजादी के बाद से ही यहाँ पे जो है संचार सुविधा और इंटरनेट की सुविधा ग्रामीणों को नहीं मिल रही थी। पहली बार जो ये सुविधा मिल रही है, संचार सुविधा और इंटरनेट की सुविधा, तो ग्रामीण काफी उत्साहित है इससे। और बताना चाहूंगा कि माओवादी मोर्चे पे जो जवान तैनात है उनको भी काफी सुविधा होगी इससे। जवानों की अपने परिचितों से और परिजनों से महीनों तक बात नहीं हो पाती है, लेकिन संचार सुविधा और इंटरनेट की सुविधा मिलने से अब जो है ये परेशानी जवानों की दूर होगी। जी, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण है यहाँ के बहुत खुश है और नक्सलियों पर भी लगाम लगाने की बात कही जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले में जो है पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ मार बचाव अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों के अथक प्रयास से जो है यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। इससे जो है ग्रामीण मोबाइल पे एक क्लिक से देश दुनिया से रूबरू हो पाएंगे। जी जी संतोष, ये वाकई बहुत ही खुशी की बात है कि जो आज़ादी के बाद से ही इस गांव में इस की पहली बार जो है वो मोबाइल टावर लगा है, इसलिए ग्रामीण बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।